कट्टर बेईमान पापी आप का सच उजागर किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसी कड़ी में कट्टर बेईमान कौन है देश जान गया है, लेकिन कट्टर बेईमान के साथ कट्टर पापी परिवार भी है भारत में। ये जो कट्टर पापी परिवार है, इसका काम केवल एक है, किस तरह से भ्रष्टाचार करना, अपनी तिजोरी भरना। हमारे जो किसान हैं उनकी जमीन हड़पना और दामाद रॉबर्ट वाड्रा को दे देना। और ये प्रेस वार्ता इसलिए है मैं, क्योंकि जब ये बात उठती है राजनीतिक गलियारों में, बार बार कहा जाता है ये तो राजनीतिक आरोप है। आज जो आपके समक्ष हम रखेंगे ये केवल आरोप नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा और उनकी माताजी पार्टनर्स हैं, वो राजस्थान हाईकोर्ट गए थे बीकानेर में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो फर्जी अलॉटमेंट हुआ जमीन का, जिसके मैं आपको सारे डिटेल्स अभी साझा करूंगा। और उसके बाद सीबीआई और ईडी की जांच की शुरुआत हुई। जो भी कदम उठाए गए हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो। और ये जो फर्जी अलॉटमेंट हुए हैं, किसानों की जमीन हड़पी गई है, ये जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय का है। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं राजस्थान हाईकोर्ट में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, जैसा मैंने आपको कहा, एक एलएलपी है और कोई बात छिपी ना रहे और कोई तथ्य काटा ना जाए, इसलिए दिखा दूं। ये जजमेंट में है और जब न्यायालय का जजमेंट होता है तो वो तथ्यों के आधार पे है, गलत नहीं होगा। इसमें लिखा है द पिटिशनर स्काईलाइट एलएलपी ऑफ विच रॉबर्ट वाड्रा एंड हिज मदर वर पार्टनर्स। क्या मांगा इन्होंने? चार्जशीट दाखिल करी सीबीआई ने और ईडी जांच कर रहा था, तो इनकी प्रेयर जो है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा द कोर्ट में क्वॉश द इन्वेस्टिगेशन। ये प्रेयर नंबर ए है, मैं पढ़ देता हूं। द रिस्पॉन्डेंट्स में काइंडली बी डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड द ईसीआईआर and the same may be ordered to be quashed in so far as it relates to the petitioner. Petitioner जो है वो Skylight Hospitality है, मैंने आपको दिखा दिया। और एक महेश नागर है, इनके बारे में मैं अभी विस्तार में आपको बताऊंगा। लेकिन न्यायालय ने क्या कहा, और ये बात भारतीय जनता पार्टी अक्सर कहती है, आप बार बार कहते हैं कि राजनीतिक द्वेष से ये आरोप लगाए जाते हैं। नेशनल हेरल्ड केस हो, हरियाणा में जब इनकी सरकार थी तो वहां पे भी एक जमीन का घोटाला करके किसानों की जमीन हड़प ली थी। राजस्थान में
जब इनकी सरकार पहले रही तो ये मामला तब का है। हम कहते हैं आप न्यायालय जाइए, तथ्यों के आधार पे अपनी बात रखिए, और अगर राजनीतिक द्वेष से मामले आपके खिलाफ किए जा रहे हैं तो सब रद्द हो जाने चाहिए, उस पर कभी उत्तर नहीं आता है। और मैं न्यायालय का जो ऑब्जर्वेशन और जो डिसीजन है वो आपके समक्ष रखता हूं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कॉन्सिक्वेंटली द प्रेजेंट पिटिशन डू नॉट मेरिट एक्सेप्टेंस एंड द सेम आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। ये जो तथ्य मैंने आपके समक्ष रखे, तीन अहम बिंदु, स्काईलाइट का नाम दिखाया, रॉबर्ट वाड्रा उनकी माताजी इस कंपनी में थी, मैंने आपको दिखाया उनकी ये दरख्वास्त थी न्यायालय से कि आप पूरे मामले को रद्द करें, और न्यायालय ने फैसला किया कि हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये रद्द नहीं हो सकता, ये गंभीर मामला है। आज चीख चीख कर प्रमाण ये कह रहे हैं कि तुम पापी परिवार हो, तुम भ्रष्टाचारी हो, और ये कहना गलत नहीं होगा। पहले वीवीआईपी कल्चर का दाग किसी ने लगाया था तो यही दामाद थे जिनको भारत का दामाद बताया जा रहा था, वो वीवीआईपी कल्चर का दाग था। आज भ्रष्टाचारी किसानों की जमीन हड़पने का दाग लगा है, लेकिन सोनिया गांधी जी बेटे से कह रही हैं, दामाद से अपने कह रही हैं, ये दाग अच्छे हैं, इन दागों में कोई बुराई नहीं है बेटे, तुम्हारा तो काम ही जमीन हड़पना है, किसानों को प्रताड़ित करना है। अब मैं आपको कुछ तथ्य समक्ष रखता हूं, रोचक नहीं कहूंगा, चिंताजनक कहूंगा। 2008 से 13 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में, सबसे पहले ये जो मामला है ये 125 बीघा सरकारी जमीन का है जो कि एक्वायर की गई किसानों से, और बताया ही जाता है न्यायालय वही तय करता है जो उसके समक्ष होता है, लेकिन ये पूरा घोटाला 1000 बीघा जमीन का है। 125 बीघा जमीन, अशोक गहलोत की सरकार तब भी मुख्यमंत्री थे, ये नत्थाराम और हरिराम को अलॉट करती है। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, जब भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो एफआईआर दर्ज हुई और जांच पुलिस ने भी करी और साथ में सीबीआई और ईडी भी कर रहे हैं, तो जांच में यह आया कि ये नत्थाराम और हरिराम ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहे, तो पता ये चला कि जो सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर वन यही होगा, अशोक गहलोत जी ऐसी क्या मजबूरियां रही, ये नत्थाराम और हरिराम तो थे ही नहीं, और आपने जो व्यक्ति था ही नहीं उसको किसानों की जमीन दे दी। इसके बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दिखाया गया, उसका नाम था गुगनगर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो ये लैंड बेचेगा। जांच में क्या सामने आया आप स्तब्ध रह जाएंगे,
इस गुगनर को भी ढूंढा गया, गुगनगर, गुगनगर, गुगनगर को ढूंढते ढूंढते पता चला कि गुगनगर जो पार अटॉर्नी होल्डर है वो भी है ही नहीं, जिसको जमीन अलॉट करी वो है नहीं, हवा में गायब हो गए, और जो व्यक्ति नत्थाराम और हरिराम को अलॉटेड जमीन बेच रहा है, पारव वेटोनी होल्डर गुगनगर, ये भी है ही नहीं, ये जमीन बेचता है राजेंद्र कुमार को। अब यहां से नाम है स्काईलाइट, आसमान, लेकिन भ्रष्टाचार को गांधी परिवार, पापी परिवार आसमान तक लेके गया है। राजेंद्र कुमार ने जमीन बेची अशोक कुमार को। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार ड्राइवर हैं एक महेश नागर के, और महेश नागर जो मुख्य व्यक्ति है उनके बारे में मैं बता दूं, महेश नागर रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर हैं। महेश नागर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी है स्काईलाइट के। तो ये जो अशोक कुमार ड्राइवर हैं रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर के, ये फर्जी लोगों से जमीन लेते हैं सरकारी, और उसके बाद स्काईलाइट को बेच देते हैं। अनियमितताओं का भंडार, कानून की अनदेखी, क्योंकि दामाद नंबर वन को खुश करना है। पापी परिवार, गांधी परिवार, उसने इशारा कर दिया तो अब कानून कहां है? अशोक गहलोत कह रहे हैं खाता ना भाई, सोनिया गांधी जो कहे वही सही, लोग नहीं है तो क्या हुआ? सोनिया गांधी ने कहा है अलॉट तो करनी होगी, किसान की जमीन है तो क्या हुआ? दामाद जी का पापी पेट भरना है? ये सवाल जो पूछे हैं कि ये जमीन राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में अलॉट कैसे करी? जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है ही नहीं तो वो ये ट्रांजैक्शन कैसे करता है? इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा जी क्या करते हैं ये जानने की आवश्यकता है। रॉबर्ट वाड्रा 30 लाख रुपए का एक चेक, तिथि नोट करिएगा, 22 दिसंबर 2009 30 लाख का एक चेक लिखते हैं। सब अचंभित हैं, ये घोटालेबाज भ्रष्टाचारी परिवार वाले किसी को रुपया दे रहे हैं 30 लाख। ये चेक दिया जाता है अशोक कुमार को जो महेश नागर के ड्राइवर हैं, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, अशोक कुमार की पावर ऑफ अटॉर्नी यह है 31 दिसंबर 2009 की, 31 दिसंबर 2009 पावर अटॉर्नी आ रही है बाद में, और दस्तावेज में जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो पहले 30 लाख का चेक है जो 29 तारीख को इनकैश हो गया था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनको लगा कि हमारी चोरी, हमारा भ्रष्टाचार कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और उसके बाद एक और अहम बिंदु यह है, अशोक कुमार का स्टेटमेंट जांच एजेंसी ने लिया। आप अचंभित होंगे कि अशोक कुमार ने कहा कि 30 लाख रुपए आए और मुझसे विड्रॉ करा के वो 30 लाख रुपए रॉबर्ट वाड्रा ने वापस ले लिया। मतलब 30 लाख रुपए दिए,
उसी वक्त विड्रॉ कराए और वो वापस चले गए, ये स्टेटमेंट है। एक और प्रश्न पूछा जाना चाहिए, महेश नागर तो केवल एक मोहरा है, उसका अपना वक्तव्य है जांच एजेंसी को, और वो कहता है दो बातें, पहला मैं रॉबर्ट वाड्रा के लिए काम करता हूं, और दूसरा जो बड़ा अहम है उसने कहा ये जो सारी जमीन है और ये सारा ट्रांजैक्शन है मुझे कुछ नहीं पता, ये तो रॉबर्ट वाड्रा के कहने पे ही हुआ है। अब आप मुझे बताइए 1000 बीघा जो भूमि है किसानों की, सरकार उसको इसलिए एक्वायर करती है क्या कि गांधी परिवार के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दी जाए, किसान से लो रॉबर्ट वाड्रा को दो। रॉबर्ट वाड्रा लैंड माफिया हो गए, भूमाफिया है रॉबर्ट वाड्रा। इसके साथ ही न्यायालय ने जो बात कही है मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन इस पूरे जजमेंट का सार यह है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप संविधान का पालन करें, आम जनता का हित देखें, और राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि यह एक गंभीर मसला है और जांच एजेंसी को इस मामले में, ये ईडी थी जांच एजेंसी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, वो आगे भी जांच करेंगी, और वो दिन दूर नहीं है जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्य ये सोचते हैं वो कानून से ऊपर हैं, उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, जांच एजेंसियों का जज्बा कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, आज गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार करते हैं थरथर कांप रहे हैं, और ये अच्छा है, वो कहते हैं दाग अच्छे हैं, हम कहते हैं भ्रष्टाचारियों का कांपना अच्छा है, कानून के डर से कांपे। आंसर इट गिविंग यू सम clarity on the issue. First, when they say it's a political witch hunt, that means Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Robert Wadra are casting aspersions on the judiciary of the country. High Court, being a constitutional court, gives a verdict and it doesn't find merit in the submissions made by Skylight, Robert Wadra's company, as well as Mr. Mahesh Nagar, who is a petitioner, to not accept the verdict, and this verdict has so far not been stayed by the Honorable Supreme Court. This clearly shows the lack of belief that the Gandhi Parivar has in the judiciary of the country, in the institutions of the country. It has become a habit of the Gandhi Parivar to cast baseless allegations, pass querulous remarks on the judiciary, which is very unfortunate. Second, please also understand, arrest or no arrest, the timing of the arrest, if the agency, investigating agency, is independent, is not the job of the government, and we take a lot of pride in the fact that be it the CBI or the ED, they are truly independent, they take a call. But I must tell you, from the facts that are borne out from the judgment, that these are very, very serious allegations. And being a senior lawyer myself, I can tell you, for any person
टू गेट अ क्लीन चिट आफ्टर सच सीरियस एलिगेशंस हैव बीन लेवल्ड वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी परिवार इज द मोस्ट करप्ट फैमिली इन इंडियन पॉलिटिक्स. एंड थ्री मेंबर्स ऑफ द गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड रॉबर्ट वाड्रा, आर आउट ऑन बेल ऑन करप्शन चार्जेस. दैट इज अ सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ गवर्नमेंट विच हैज अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर करप्शन. देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा और इस केस के संदर्भ में बताऊंगा और आपके प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलेगा. जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें न्यायालय ने, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया था अगर मुझे सही याद है, और ये आदेश किया था कि सीबीआई जांच हो. इस मामले में जो जांच चल रही थी उस पर रोक उच्च न्यायालय ने लगाई, 83 हियरिंग्स हुई. और जो कार्य अवधि होती है जब रोक लगती है तो उस वक्त कोई जांच आगे नहीं बढ़ सकती है. अक्सर ऐसा होता है कि जब जांच एजेंसियां जांच कर रही होती हैं तो न्यायालय में जाने का अधिकार हर व्यक्ति को है, वो जाता है और जांच पे रोक लग जाती है जिससे डिले होता है. और उस केस में भी मैं आपको बताऊं, वहां जांच भी हुई है और वहां जो उचित कार्रवाई हुई है वो वहां भी हुई है. लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं, आपने वो मामला भी उठाया. ये दर्शाता ये है कि किसानों की जमीन कहीं भी दिखाई देगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो किसानों से लेकर वो जमीन भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा तक जाएगी. और इस पे गुणवत्ता पे कोई कांग्रेस लीडर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा एक शब्द नहीं बोलते. क्या नैतिकता की ये मांग नहीं है कि आज राहुल गांधी चुप्पी तोड़े और बताएं कि देश को लूटने वाले रॉबर्ट वाड्रा पे उनका क्या मत है? सोनिया गांधी को यह बताना चाहिए. राजस्थान में उनकी सरकार थी 2008 से 2013 और हरियाणा में उनकी सरकार थी, और दोनों जगह यह संयोग है कि रॉबर्ट वाड्रा का नाम आता है और किसानों की जमीन हड़प ली जाती है. यह चिंताजनक. हम सब के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से एक व्यक्ति की तुलना करना जो भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पाकर बाहर है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो चाटुकारिता करने में कोई कमी नहीं रखेंगे. और एक बात मैं और कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है. ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भगवान राम काल्पनिक है. जिन राहुल गांधी की तुलना वो हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी का वक्तव्य है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं. अगर वोट पाने के लिए ओछी घटिया हल्की राजनीति करनी पड़े तो यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं के डीएनए में है कि वो इससे गुरेज नहीं करेंगे. मैं इतना ही कहूंगा, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, तमाम बयान है, हिंदू समाज की, और केवल हिंदू समाज की क्यों, पूरे भारत के हर नागरिक की भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और कर रही है. क्योंकि भगवान से तुलना करना, किसी के इष्ट से एक व्यक्ति की तुलना करना अपने आप में एक दुस्साहस है और जनता इनको जरूर सबक सिखाएगी. ढोंगी हिंदू कहना, ढकोसला कहना,
राहुल गांधी की राजनीति के लिए गलत नहीं होगा। जब चुनाव आते हैं तो वो ढोंगी हिंदू बन जाते हैं, अब वो सदैव अटल पर जाते हैं। ये देख के अच्छा लगा कि भ्रष्टाचारी राहुल गांधी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि के सामने झुक गया। और ये सवाल भी पूछा जाएगा कि चल के आए हजारों हजारों किलोमीटर, फिर भी फासला मीलों का क्यों रह गया। और ये भी पूछा जाएगा कि अगर गांधी परिवार से कोई कांग्रेस का नेता जो बड़ा नेता बन जाता है तो उसको खत्म क्यों कर दिया जाता है, उसको आदर क्यों नहीं मिलता, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव जी हो, चाहे वो सीताराम केसरी जी हो, चाहे हम सबके आदर्श लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात कर ले, चाहे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की बात कर ले, और चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, उनको उचित सम्मान नहीं दिया। और मैं अंत करूंगा केवल एक बात कह के, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब और सरदार पटेल जी को भारत रत्न 1990 और 1991 में मिला, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू का अपना मंत्रिपरिषद उनको भारत रत्न देता है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी को भी 1991 में भारत रत्न मिला। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ढोंग पाखंड की राजनीति राहुल गांधी करते हैं। और अगर परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों पे वो चलें, आत्मचिंतन करें, तो बेहतर होगा। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।